फ्रेंड्स वेलकम अगेन। आज हम एक प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल का पार्ट देखने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट CBSE के 10th क्लास के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। सो कॉपर सल्फेट किस तरह से अपना कलर दिखाता है, क्या उसका कलर होता है, जिंक मेटल किस तरह से होती है, और ये जब जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट के अंदर हम डाल देते हैं तो रिएक्शन किस तरह से होता है, क्या इसके अंदर कलर चेंज होता है या नहीं होता है, ये सारा हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर एक्सपेरिमेंट। सो कॉपर सल्फेट, जैसे कि आप देख सकते हैं, कॉपर सल्फेट को हम ब्लू स्टोन और इसके अंदर ब्लू विट्रल वर्ड लिखा गया है, इस तरह से इसको जानते हैं। इसका मतलब होता है कि इसका जो कलर है वो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट होगा। और कॉपर सल्फेट को अनदर इम्पोर्टेंट थिंग कि यहाँ क्यूप्रिक सल्फेट भी बोला जाता है, आप चेक कर सकते हैं, ये लेबोरेटरी एक रिएजेंट है और ब्लू विट्रल के नाम से जानते हैं। और कॉपर सल्फेट यहाँ पे एनहाइड्रस फॉर्म के अंदर नहीं है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के हिसाब से हम बात करें तो 5 वाटर के मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट के साथ इसके साथ जुड़े हुए हैं। और एज वेल एज हमारे पास जिंक मेटल भी है, जो कि जिंक ग्रैनुअल, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ग्रैनुलेटेड जिंक मेटल, यू कैन चेक हियर ग्रैनुलेटेड जिंक मेटल। और इस जिंक मेटल को हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर ऐड करेंगे। एज वी इट इज़ वेल नोन, कॉपर सल्फेट जो है वो एक सॉलिड फॉर्म के अंदर यहाँ रहेगा, और कॉपर सल्फेट जो है सॉलिड के अंदर जिंक के साथ रिएक्शन तो नहीं करने वाला, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कॉपर सल्फेट जो हमारे पास सॉल्ट होगा, लेबोरेटरी जो रिएजेंट होगा, इसका हम सबसे पहले एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे। एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि कॉपर सल्फेट हमने लेना है और उसके अंदर वाटर के साथ ट्रीटमेंट करवाना है, फिर देखते हैं क्या होता है, लेट अस सी। सो अभी जो है कॉपर सल्फेट को हम ओपन कर रहे हैं और इसका कलर देखते हैं। सबसे पहले तो इसका जो कलर होता है कॉपर सल्फेट का फ्रेंड्स, वो ब्लू कलर का इंडिकेशन यहाँ पे हो पा रही है, आप चेक कर सकते हैं, ब्लू कलर। कॉपर सल्फेट के कौन से कलर का है, ब्लू कलर का है। तो इसको हम वॉच क्लास के अंदर इसको रखा है, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कॉपर सल्फेट किस कलर का है। और इसके बाद हम कॉपर सल्फेट के साथ साथ जिंक मेटल को भी देखते हैं किस तरह। तो ये आपके पास जिंक मेटल का बॉक्स है और इसमें से कुछ मेटल के पीसेस हम निकाल रहे हैं। तो जिंक मेटल जो है फ्रेंड्स, इस तरह से इसको ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल बोलते हैं। ये मैं आपके सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ जिंक मेटल ग्रेनुलेटेड, और ये आप देख सकते हैं जिंक मेटल आपके सामने है वीडियो के अंदर। और अब इन दोनों ही सॉल्ट का और मेटल का और कॉपर सल्फेट का हम एक रिएक्शन देखने वाले हैं बहुत जल्द, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। फ्रेंड्स हमने कॉपर सल्फेट जो सॉल्ट है वो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको रखा हुआ है, अभी इसका सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। इसका मतलब एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, इसका मतलब क्या है, वाटर इसके साथ डिसॉल्व करने वाले हैं। तो देख, सो ये वाटर है हमारे पास और इसको इसके अंदर डिसॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। और अभी हमारे पास इस तरह से कुछ विजिबल हो रहा है, अभी इसको एक होमोजीनियस मिक्सचर बनने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए, इसको हम स्टीरिंग करते हैं जब तक।
दोस्तों, ये जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से होमोजीनियस मिक्सचर बन चुका है। एक तरह से पूरी तरह से कंटेंट जो है वाटर के कॉपर सल्फेट के अंदर लगभग डिसॉल्व हो चुके हैं, वाटर ऑफ मॉलिक्यूल। और ये अब इस सॉल्यूशन को बोलेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो कि एक्वस फॉर्म के अंदर है। अभी आपके पास जो जिंक मेटल है, इस जिंक मेटल के ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल जो है ये आपके सामने विजिबल हो पा रहा होगा। तो ये जिंक मेटल को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करने वाले हैं। आप देख सकते हैं क्या होता है लगत से, और कितना जल्दी ये रिएक्शन होता है ये भी हम देखने वाले हैं। अभी आपके सामने मैं विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हैं, शायद चेक कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं कि जो मेटल है जिंक, वो बहुत जल्दी यहाँ पे डार्क कलर की आपको ऑब्जर्व हो पा रही होगी, शायद आप देख सकते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ, एक और पीस है मेरे पास जिंक मेटल का, अब इसको भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हम डाल करके देखते हैं। ये देखो मैंने इसके अंदर डिसॉल्व करने चाहा, देखते हैं होता है नहीं। ये देखो, यू कैन सी हर कलर ऑफ कॉपर मेटल इज टोटली चेंज्ड। सो वी हैव अनदर सम पीसेस विच कैन बी रिपीटेड, दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड अगेन। सो टू पीसेस, थ्री पीसेस, फोर पीसेस, ऑल द पीसेस हैज बीन चेंज इन कलर, यू कैन सी हियर। ओके, जो अभी फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट जो बन रहा है उसका जो कलर है वो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा होगा, ब्लैक कलर का। ये आप चेक कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये इस जिंक मेटल के साथ और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ आपके पास एग्जांपल जो बन रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल बन रहा है। मैं इसको निकाल के भी दिखाना चाह रहा हूँ, वेट करिए। ये जो प्रोडक्ट था मैंने वॉच ग्लास के अंदर आपको डाल करके दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से इसका जो कलर है वो ब्लैक कलर के अंदर ये अब इंडिकेट कर रहा है, ब्लैक कलर के अंदर। और बिल्कुल जो कॉपर मेटल है वो टोटली चेंज्ड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। जैसे कार्बन होता है ना, बिल्कुल कार्बन, ब्लैक कार्बन की तरह ये दिख रहा है। अभी इसको हम थोड़ी देर के लिए और इस बीकर के अंदर डाल करके देखते हैं, रिएक्शन के लिए थोड़ा सा टाइम और चाहिए। सो देखते हैं ये कलर जो है के साथ साथ किस तरह से ब्रेक डाउन हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि कॉपर मेटल जो थी वो छोटे छोटे पीसेस के अंदर टूट करके बदल गई है। बहुत जल्दी ये मेटल जो है ब्रेक डाउन हो चुकी है, आप देख सकते हैं किस तरह से ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म के अंदर आपको दिख रहा होगा। और वेट करिए। सो फ्रेंड्स, आपके पास जो फाइनल अब प्रोडक्ट बना है वो आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही मेटल बिल्कुल हल्की हो गई है, सॉफ्ट हो गई है। अब मेटल तो बची नहीं, जो जिंक मेटल थी वो टोटली चेंज हो चुकी है। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैक और ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हमने एग्जांपल जो है वो देखा यहाँ ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। सो इस तरह से कई सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं फ्रेंड्स। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो जिंक मेटल के अंदर, उस सॉल्यूशन को, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक मेटल अगर उसके अंदर हम ऐड करते हैं तो एक ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन बनता है।
और ब्लू कलर का सॉल्यूशन थोड़ा सा फेड हो जाता है अगर हम इनिशियल विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स के अंदर उस रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। और ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन इस चीज़ को हम ध्यान से अगर देखें तो जिंक मेटल का जो कलर है वो ब्लैक कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत अच्छे से मैंने आपको वीडियो के थ्रू दिखाने की कोशिश की थी। और वही जो प्रोडक्ट मैं 24 आवर्स के बाद आपको अभी दिखाना चाह रहा हूँ, आप होपफुली आप इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करने वाले हैं। अभी आप देख सकते हैं एक प्रेसिपिटेट कलर के अंदर, प्रेसिपिटेट एक और रेड ब्राउन कलर के अंदर इस बीकर के अंदर आप इसको ऑब्जर्व करें पहले तो किस तरह से जो पार्टिकल जो है देखे जा सकते हैं। ये आप चेक करो, इसको मैं और दिखाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ अभी। ये आप देखें इस तरह से देखें, और बहुत ही क्लियर सॉल्यूशन जो है वाइट कलर का, कलरलेस सॉल्यूशन यू कैन सी आप देख सकते हैं, एज वेल एज कॉपर मेटल जो है आपको कितने अच्छे से आप देख सकते हैं इस वीडियो के थ्रू मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, जो जिंक सल्फेट बना, जिंक सल्फेट कैसे बना वो तो मेथड मैंने आपको बता दिया। ये एक रिएक्शन को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा अभी, इस रिएक्शन को देखो ध्यान से, एक मिनट, ये है हमारी टोटल ओवरऑल रिएक्शन में। तो कॉपर सल्फेट जो है, यहाँ कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था और एक्वस सॉल्यूशन बनने के बाद ब्लू कलर का ही है, जिंक मेटल आपने ऐड किया, जिंक सल्फेट बनेगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी को क्वेश्चंस आप चेक भी कर सकते हैं, कंटेंट दिया हुआ है। जिंक सल्फेट जो है कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा और कॉपर मेटल एज यूजुअली यू नो कॉपर मेटल जो होती है वो रेड ब्राउन कलर की होती है। तो ये रेड ब्राउन कलर फिर से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये है वो कॉपर मेटल जो प्रेसिपिटेट कोगुलेट हो करके नीचे वाले एट द एंड ऑफ बॉटम ऑफ दिस बीकर आप इसको देख सकते हैं। और बाकी जो सॉल्यूशन बचा वो क्या बताया, वो कलरलेस सॉल्यूशन होना चाहिए। इसका मतलब जो कलरलेस सॉल्यूशन वाटर की तरह आप बिहेव कर रहा है यहाँ दिख पा रहा है वो है जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। अब इसको एक्वस सॉल्यूशन, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको क्यों बोला, फिर से मैं इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ लास्ट में एंड के अंदर कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों कहा इसको। बिकॉज इन रिएक्टिविटी सीरीज इफ यू नो द पैटर्न ऑफ सीरीज ऑफ मेटल इन रिएक्टिविटी सीरीज यू कैन ऑब्जर्व दैट जिंक मेटल दिस वन इज फाउंड इट्स पोजिशन इन अपर पार्ट एज कम्पेयर टू कॉपर मेटल। मतलब क्या, जिंक मेटल जो है कॉपर से ज़्यादा एक्टिव मेटल है, जिंक मेटल कॉपर मेटल से ज़्यादा एक्टिव है, इसी वजह से जिंक मेटल एक्टिवनेस ज़्यादा दिखाने की वजह से कॉपर सल्फेट में से इसको कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा करके खुद सल्फेट के साथ एक एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म के अंदर कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है और कॉपर मेटल को अलग से डिस्प्लेस कर देता है, मतलब कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिमूव कर देता है। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो आगे जो फर्दर है अगर आप इसको और करना चाहते हैं रिएक्शन के अंदर तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ फनल कॉपर मेटल को सेपरेट कर सकते हैं और ये जो सॉल्यूशन है इसको भी अलग किया जा सकता है। तो अलग हम कर सकते हैं फ्रेंड्स, आफ्टर 22-24 आवर्स आवर फाइनल प्रोडक्ट इज रेडी। सो कॉपर मेटल और जिंक सल्फेट अब फाइनल स्टेज के अंदर मैं इसको आपको दिखाने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ ऑब्जर्व वेरी केयरफुली। सो फिल्टर पेपर के अंदर जो हमारा कॉपर मेटल था
एक्सट्रैक्ट जो बचा उसको दिखाने की अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं जो कॉपर मेटल है वो ब्राउन रेड ब्राउन कलर के अंदर आपको विजिबल हो पा रहा है, और जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन हमारा बीकर के अंदर बचा हुआ था वो बिल्कुल एक कलरलेस सॉल्यूशन के अंदर बदल गया है। सो आप वाच कर सकते हैं, देख सकते हैं फाइनल स्टेज के अंदर कॉपर मेटल एज यूजुअल इट इज़ वेल नोन दैट इट हैज़ रेड ब्राउन कलर, यू कैन सी हियर। सो जिंक सल्फेट बीकर के अंदर फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर ये विजिबल है, आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है जिंक सल्फेट एक्सट्रैक्ट जो बचा है हमारे पास, बिल्कुल कलरलेस सॉल्यूशन है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कि मैं बहुत बारीकी से आपको बताने की कोशिश मैंने इस वीडियो के ज़रिए किया है। ये आपके पास पी फिल्टर पेपर के अंदर जो यील्ड बचा हुआ है कॉपर का उसको आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, सो दैट मैं कुछ और सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है अपने वीडियो के ज़रिए आपको बताने की कोशिश करता रहूं। धन्यवाद, थैंक यू।